सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार काफी सारे लोग मुझसे कमेंट में मैसेज करके पूछ रहे थे, भाई ये जो म्यूजिक डाउनलोड करते हो कहाँ से डाउनलोड करते हो, इतने सारे आप म्यूजिक कहाँ से ले आते हो और आपकी वीडियोस में कोई भी कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता है, कहाँ से डाउनलोड करते हो भाई मुझे भी बता दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज एक म्यूजिक से रिलेटेड टिप ही दे दी जाए जो आप व्लॉग में ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि म्यूजिक की वजह से ही आपका व्लॉग जो है बेहतर होता है। तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने जो है एक Q&A रखा है, कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया, आप जाकर के मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यार वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कहां से आपको म्यूजिक को डाउनलोड करना है। तो यार आप यूट्यूब में जाओगे और आप कोई भी नॉन कॉपीराइट म्यूजिक डाल के सर्च करते हो, तो होता क्या है कि आपके डाउनलोड करके लगाने के बाद कॉपीराइट क्लेम उसमें आ जाता है, भले ही उसमें लिखा हो नो कॉपीराइट म्यूजिक। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें उस म्यूजिक में कोई ना कोई ऐसी क्लिप होती है जो कि कॉपीराइटेड होती है और जिसकी वजह से आपके गाने में भी कॉपीराइट आ जाता है। अब आपको डाउनलोड कहां से करना है? तो यार आपको डाउनलोड करना है, यूट्यूब में सर्च करना है NCS व्लॉग्स। NCS व्लॉग्स नाम से सर्च करोगे तो आपके पास जो है एक चैनल खुल के आएगा जिससे आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चैनल आता है YouTube लाइब्रेरी। YouTube लाइब्रेरी आप डाल के सर्च करोगे YouTube में, उसके बाद उसका भी आप कोई भी गाना यूज कर सकते हो। थर्ड चैनल आता है केवल NCS, उसका भी गाना आप कोई भी सिंपली यूज कर सकते हो। इनमें से तीनों चैनल में से कोई भी आपको कॉपीराइट नहीं मारेगा क्योंकि ये तीनों ही जेन्यून चैनल है। हर एक ब्लॉगर, बड़ा से बड़ा ब्लॉगर इन्हीं तीन चैनल से ही अपने ब्लॉग्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक को लेता है। आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर यूट्यूब में नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, मेरी वीडियो को टेकडाउन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां पर मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा। तो यार बात करते हैं लगाने का कि आप म्यूजिक डाउनलोड तो कर लोगे, उसके बाद लगाना कैसे आपको अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में, तो उसके लिए आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो यार मैंने ना अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लिया और जिस वीडियो में मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है उस वीडियो को भी मैंने चूज कर लिया है। इसके बाद आपको लगाना कैसे, आपको सिंपली करना क्या, ये जो ऑडियो वाला आइकन बना हुआ है ऑडियो वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा इधर से राइट साइड से नीचे जाओगे लेफ्ट साइड से तो यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। इस फोल्डर के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपनी मेमोरी में पहुंच जाओगे और जिस भी मेमोरी में आपके फोल्डर में गाना पड़ा हुआ है जो आपने डाउनलोड किया है, सिंपली से डाउनलोड में होता है तो डाउनलोड में चले जाना है और वहां से जा करके आपको वो गाना सिंपली चूज कर लेना है। तो उस गाने में क्लिक कर देना है और प्लस में क्लिक कर देना है, वो गाना आपका चूज हो जाएगा। इसके बाद ये तो लग गया आपके बैकग्राउंड में, लेकिन बैकग्राउंड में जो होता है वॉइस कम होती है तो आपको करना कि ये जो हरी लाइन आ रही है गाने की तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ राइट साइड में इस तरह का टैब खुल के आएगा, आपको एक वॉल्यूम का आइकन दिखेगा। इस वॉल्यूम के आइकन में जा करके आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये 100% वॉल्यूम है इसको डाउन कर लेना है अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से, 40, 30, 20, 10% आपको बार बार सुन के ये देखते रहना है कि कैसा लग रहा है। जब आपको लगे कि हाँ बेटर है, आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा खासा बज रहा है, तब आपको उस जगह पर आपको आकर के स्टॉप करके टिक कर देना है। उसके बाद आपको सुनना है, अगर आपको गड़बड़ लगता है तो फिर से आपको इसी में क्लिक करना है, म्यूजिक वाले में जा करके ऊपर नीचे करके इसको सेट कर लेना है टिक करके, उसके बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो गाइज ये था पूरा सा आपको समझाने का तरीका और जो मैं व्लॉग म्यूजिक आपको डाउनलोड करना है वो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, आप जाकर के चेकआउट कर लेना और डाउनलोड करने का तरीका भी सीख लेना। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय।